खबर गोंडा जनपद से, जहां शहर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान कथा का तीसरा दिन श्री रामचरित श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से धूमधाम से रास लीला है। प्रथम दिन भागवत महात्मन्य 12 अवतार कथा भक्त उत्सव गोंडा में जन्म स्थली स्थित है, जिसका कथा किया गया वर्णन। दूसरे को दिवस की कथा ध्रुव संकल्प यात्रा, दधीचि महादान गाथा कथा, व्यास पर आशुतोष महाराज जी के शिष्य भारत विख्यात पद्महस्ता भारती कथा व्यास कथा कहती है। उनके साथ टोली में साध्वी तारिणी भारती, साध्वी बोध्या भारती, बाद में साध्वी पद्म प्रभा भारती, साध्वी अभिनंदना भारती, साध्वी उजय शाह भारती, साध्वी निधि भारती, साध्वी अर्चना भारती, साध्वी महाश्वेता भारती, साध्वी दीपा भारती, साध्वी अपर्ण भारती, साध्वी सुश्री वंदना भारती, अभिनंदन प्रति भारती, स्वामी के करुणेशानंद शिवम श्रेष्ठ इत्यादि उपस्थित रहे। कटरा के बीजेपी विधायक पावन सिंह दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुभारंभ कराया। वहीं एमएलके कॉलेज बलरामपुर के पूर्व प्रधानाचार्य, चयन आयोग के सदस्य, पूर्व खाद्य सुरक्षा मंडली अधिकारी दीपक पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता राजबाबू गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामकरण मिश्रा, शारदाकांत पांडे आरती में शामिल हुए। कथा के आयोजक स्वामी अर्जुन आनंद जी, गोंडा के प्रभारी कमल महात्मा, यशवीर महात्मा, श्री राम स्वामी जी, जितेंद्र पंडित, विष्णु स्वामी, महिलाओं की टीमें ऋतु जायसवाल, विद्यावती मिश्रा, श्रीमती करण मिश्रा, श्रीमती हरकेश सिंह, श्रीमती शशि जायसवाल, श्रीमती सरोज जायसवाल, मिथिलेश सिंह, रुनी श्रीवास्तव, सावित्री जी, सुषमा मिश्रा, निर्मल सिंह, किरण सिंह, दीप्ति शर्मा, चंद्रकला सिंह, उषा मिश्रा, रीता पाठक, रमा मिश्रा, गीता जायसवाल, सुषमा मिश्रा, बीवी जायसवाल, वहीं युवा परिवार की सेवा समिति के अध्यक्ष ऋतु जायसवाल, भव्य आरती पंडित जगदीश तिवारी ने, यजमान रामकरण मिश्रा, वरिष्ठ एडवोकेट संतोष कुमार जायसवाल, अजय कुमार जायसवाल, जमुना प्रसाद, विश्वजीत शुक्ला मौजूद। भव्य भारती ली प्रसाद का हुआ वितरण। आज के कथा प्रसंगों में प्रभु श्री कृष्ण जन्म प्रसंग श्री शामिल था, जिसमें नंदोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें सभी नर नारी और बच्चों ने खूब आनंद लिया। बहुत सारे बच्चे कृष्ण के सखा बनने के इच्छुक थे, सज धज कर पीले वस्त्र पहनकर उस समय शामिल हुए। नंदोत्सव की छठा अद्भुत थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समूचा पंडाल ही गोकुल बन गया हो। कृष्ण जन्म के अवसर पर इस प्रसंग में छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों का निरूपण करते हुए बताया, साध्वी जी ने बताया कि जब जब इस धारा में धर्म की हानि होती है, धर्म अधर्म अत्याचार अन्याय अनैतिकता बढ़ती है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए करुणा निधान ईश्वर अवतार धारण करते हैं। कार्यक्रम के आयोजक, जो अपनी निंदा को, जो निंदा के स्वरों पर विजय हासिल कर लेता है, तो सजनों विजय नाद भी वही बजाता है। इसलिए ये निंदा कोई अच्छी चीज नहीं है। सजनों, आपने सुना होगा लालच बुरी बला है, सुना है सबने? तो निंदा भी अच्छी बात नहीं है सजनों, ये निंदा भी बुरी बला है, ये निंदा बहुत बुरी बला है। और कैसी है ये निंदा, आइए सुंदर भक्ति रचना के माध्यम से। पूर्व अध्यक्ष सिविल वार एसोसिएशन गोंडा, आज की कथा में हमें सबसे अच्छी बात यह लगी कि बहुत ज़्यादा इसमें संगीत नहीं रहा, बहुत ऐसी उपयोगी बात बताई गई, जैसे अभी हमारे प्रधानाचार्य ने बताया है कि समर्पण जो हो, पूरा समर्पण, उसमें विकल्प नहीं होना चाहिए, ये शिक्षा हमको, और ये हम समझते हैं कि इसको अगर आदमी आत्मसात कर ले तो उसका बड़ा भला हो जाए और ईश्वर को प्राप्त हो। कथा में कल कलश यात्रा निकाली गई और कल से कथा शुरू हुई, आज दूसरा दिन है। इसमें आपके मुख्य लोग कौन आए और कथा का आगे कार्यक्रम क्या है, क्या प्रसंग था कथा का, थोड़ा बताएं विस्तार से। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन प्रारंभ हो चुका है। दिनांक 9 अक्टूबर को भव्य कलश यात्रा के साथ भागवत महात्म्य का प्रसंग एवं आज द्वितीय दिवस में ध्रुव एवं ऋषि दधीचि की कहानी पूज्य कथा व्यास ने हमारे बीच में रखा, और कल का प्रसंग बड़ा अभूतपूर्व होगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जो भागवत की आत्मा कही जाती है, यह प्रसंग इस मंच के माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में भारी वर्षा होने के बावजूद शहर के बहुत पढ़े लिखे लोग, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी उपस्थित हो रहे हैं, जैसे आयुक्त चयन अधिकारी ओपी मिश्रा जी यहां आज उपस्थित हुए, कटरा विधानसभा से विधायक श्रीमान बावन सिंह जी उपस्थित हुए, इसी प्रकार से शहर के और भी रामकरण मिश्रा जी जो अधिवक्ता रहे, जो बहुत फेमस अधिवक्ता है, ये सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए। और कल बड़ा अभूतपूर्व कथा होगी कृष्ण जन्म का। मैं सभी गोंडा जनपद के भक्त समाज से आग्रह करूँगा कि कल की कथा प्रसंग श्रवण करें।
मैं डॉक्टर ओमकार प्रसाद मिश्र प्राचार्य एमएलकेट कॉलेज में रहा 2001 से 2014 तक। मैं आज ज्योति जागृत संस्थान गोंडा द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा में आकर के अपने को बहुत ही ईश्वर का हक मान रहा हूँ कि ईश्वर ने विशेष कृपा की और मैं यहाँ पहुँचा। और जो अभी यहाँ कथा कही गई उस कथा से था तो पहले से भी जानते थे, लेकिन जो प्रस्तुतिकरण होता है किसी चीज़ का वो बहुत अभूतपूर्व था और उस प्रस्तुतिकरण में हमने बहुत कुछ सीखा। महाशतधीज के बारे में भी जानकारी होते हुए भी तमाम ऐसी नई चीज़ें हमको यहाँ मिली जिससे कि हमको लगता है कि जीवन का ये जो क्षण एक दो घंटे का यहाँ बीता ये बहुत ही मैं उसके लिए कृतज्ञ हो गया। ईश्वर का बहुत आभारी हूँ और महाराज आशुतोष भगवान की भी मैं बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ कि उनके प्रेरणा से यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और उसमें गोंडा नगर के गोंडा आसपास के लोगों को अपने अंतस चेतना को जगाने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा कार्य किसी भी मानव जाति का, मनुष्य का, नर नारी का अंतस चेतना को जगाना है। अगर अंतस चेतना जग गई तो वो कुछ भी कार्य कर सकता है। जैसे मैं यहाँ भी सुना हमने कि संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। मैं जब प्राचार्य हुआ तो कहीं से लाइन हमने पढ़ा था और बच्चों के सामने हमेशा रखता था कि संकल्प में विकल्प नहीं होता है। अगर आपने संकल्प में विकल्प सोच लिया फिर आपका संकल्प पूरा नहीं होगा। उसको मैं आज पुनः सुन करके बहुत ही मुझे अंदर से प्रसन्नता हुई कि मैंने पहले भी बच्चों को ये आशीर्वाद दिया।